ओके सो आज एक क्वेश्चन देखेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है 12th के लिए, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2.12, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक चार्ज है 8 मिली कूलम का और वो ओरिजिन पे लोकेटेड है, और मुझे फाइंड करना है वर्क डन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज -2 × 10⁻¹⁹ फ्रॉम पी टू क्यू बाय पॉइंट आर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके पूछे जा रहे हैं और साथ साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि वर्क डन बाय द चार्ज, यहाँ पे देखें तो इसका जो इक्वेशन होता है वो हम लोग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से भी फाइंड कर सकते हैं, और ये वर्क डन बाय चार्ज जो होगा ये आपका एक तरह से डेल वी टाइम्स ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा। फिर क्यू नॉट इज नथिंग बट द टेस्ट चार्ज, और डेल वी इज द पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट्स जहाँ से वो टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। सो इस केस में जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाऊँ, सो लेट इट बी ये ऑरिजिन है और यहाँ पे प्लस 8 मिली कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, और लेट इट बी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है वो जेड एक्सिस है, और एक टेस्ट चार्ज को जो है वो 0.03 सेंटीमीटर यानी पी पॉइंट जो कि जेड एक्सिस है 0.03 सेंटीमीटर से मुझे क्यू पॉइंट तक ले जाना है जो कि वाई एक्सिस है 0.4 सेंटीमीटर, 0। मगर वाया एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि है 0.6 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, यानी या भी कहीं यहाँ पे रहा होगा। तो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, यानी इस तरह से मुझे चार्ज को पॉइंट पी से पॉइंट आर और फिर पॉइंट आर से पॉइंट क्यू की तरफ मुझे ले जाना है। बट यहाँ पे एक बेसिक चीज हमें मालूम होना चाहिए कि वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो ये जो वर्क डन है जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण से, ये वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो पाथ इंडिपेंडेंट होने के कारण से वो केवल डिपेंड करेगा कि इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है और फाइनल पॉइंट कहाँ पे। तो ये जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखने वाला हूँ ये केवल मैं देखूंगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, बाकी दूसरा जो उसका पाथ का इंटरमीडिएट पॉइंट है उस वो यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। सो फाइन करते, तो यहाँ पे हो गया मेरा फाइनल पॉइंट क्यू, तो इसको लिख सकता हूँ वी क्यू माइनस इनिशियल पॉइंट वी क्यू टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। सो फाइन करते हैं वी क्यू एंड वी पी। सो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल जो तो सिंगल चार्ज जो होता है वो आपका होता है वी पी इजिकल टू के टाइम्स जो भी चार्ज है सोर्स चार्ज है डिवाइडेड बाय जिस डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना वोल्ट, राइट। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर मैंने वी क्यू फाइंड किया तो ये हो जाएगा के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻¹ इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट है, क्यू यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है 8 मिली कूलम -3 डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट पर मैं फाइंड कर रहा हूँ वो है क्यू जो कि फाइनल पॉइंट है यानी 4 सेंटीमीटर, बट इसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻²V। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये जगह 4 × 2 = 8, राइट। सो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, उसके बाद ये बचेगा ऊपर जाएगा तो +2, राइट। सो 10⁻³ +2 × 10⁻¹⁹। तो ये हो जाएगा -1, तो इसको लिख सकता हूँ 1.8 × 10⁻¹⁹ वोल्ट, राइट। सिमिलरली अगर मैं वी पी पे फाइंड करूँ यानी इनिशियल पॉइंट पे फाइंड करूँ सेम प्रोसेस होगा, के का वैल्यू है 9 × 10⁻¹⁹, जो सोर्स चार्ज है 10⁻³ डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा वोल्ट। इसको भी सॉल्व करें तो ये 3 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 10⁻²² जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻¹⁹ वोल्ट, राइट। अब वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। सो देयरफॉर जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
1.8 यानी इनटू 10 टू द पावर 9 तो ये था vq माइनस vp. सो 1.8 इनटू 10 टू द पावर 9 माइनस 2.4 इनटू 10 टू द पावर 9 राइट इनटू टेस्ट चार्ज. और टेस्ट चार्ज जो है जिसको मूव करवाना है वो है 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 और माइनस में नेगेटिव टेस्ट चार्ज है 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 राइट. तो उसको अगर सॉल्व करें 10 टू द पावर 9 कॉमन हो गया तो ये बचेगा 1.8 सॉरी माइनस 2.4 एंड 10 टू द पावर 9 कॉमन हो गया 10 टू द पावर 9 और ये हो जाएगा माइनस 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9. तो ये 9 गया ये बचेगा आपका 0.6 माइनस इनटू माइनस 2 यानी माइनस माइनस प्लस 1.2 जूल. यानी इस 8 मिली कूलम चार्ज को करीबन 1.2 जूल वर्क करना पड़ेगा माइनस 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए. इसमें याद रखेंगे जो वर्कडन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं किसी भी चार्ज के कारण से वो एक एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके कारण से जो वर्कडन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. वो केवल डिपेंड करेगा कि इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है और फाइनल पॉइंट कहाँ पे. तो इस आर पॉइंट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है. ओके थैंक यू.